दोस्तों नमस्कार, मैं ठीक हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और दोस्तों हम अपने पति के बारे में बता रहे हैं, बाहर गए, उनको काम के बारे में कैसे क्या हुआ है, तो हम आज उसी चीज़ पे बात करेंगे दोस्तों। तो आप सब वीडियो में बने रहिए, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके खुशी दोस्त अच्छी लगती है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमसे रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक जाए। दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए, दोस्तों गांव में ना क्या बताओ, बहुत ही वो होते दोस्तों। हमारे पति ना 3 दिन पूरे लग गया, मतलब 4 दिन समझिए यूँ कि 4 दिन मतलब जाने में लगा उनको। और दोस्तों आज सुबह में गए थे काम पे, तो दोस्तों सुबह में गया ना तो काम टेस्ट, आज टेस्ट था। टेस्ट होने के बाद मतलब गेट पास बनता है, उसके बाद में दोस्तों क्या बोलते हैं, मेडिकल बोलते हैं, विदेश में नहीं है लेकिन फिर भी कंपनी में अगर काम करने से क्या होता है ना, ये सब लगता है दोस्तों। तो ये दोस्तों कौन सी जगह बोलते हैं, कर्नाटका, उधर पे गए हैं हम तो उतना सही से पता नहीं था, आज हमने पूछे तो बताया है। तो सुबह को गए थे दोस्तों उसने मतलब टेस्ट करने के लिए, तो सुबह में मतलब अच्छा किया है, पास हो गया। मतलब वो आदमी नहीं किए करवाए थे, तो दोस्तों फिर उसके बाद में फिर एक बार बुलाया है, मतलब बोले थे कि 10 बजे 8 बजे के करीब, 8 बजे उधर से निकल जाने, 10 बजे फिर से टेस्ट होगा, दूसरा टेस्ट होगा। तो दोस्तों फिर से गए हैं, मतलब 6 बजे गए थे तो चले आए थे एक बार करके टेस्ट मार के, और फिर दूसरा मतलब हुआ है। तो दूसरा टेस्ट में मतलब और दोस्तों हमें हिम्मत काम नहीं कर रही बोलने का, दोस्तों दूसरा में रिजेक्ट हो गया। मतलब जब होता है ना इंसान के किस्मत खराब होते हैं ना, मेरे बिट्टे रानी को देखिए इतना वो करके उसको सुनाए, फिर से परेशान कर रहा दोस्तों। उसको सुला दिया मैंने, ऐसे हाथ किए तो सुला दिए, सो गया। इसको मक्खी है फिर भी देख रहे, मच्छरदानी लगाए फिर भी मक्खी झुक रहे है ऊपर से, एक दो अंदर में चला गया शायद। तो दोस्तों दूसरा मतलब रिजेक्ट हो गया दोस्तों। जब होते हैं ना इंसान की किस्मत ख़राब होते हैं ना, तो हर तरफ से दोस्तों। अभी हमें पैसे की इतनी दिक्कत थी, क्या ही बताएं, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कुछ भी नहीं। और दोस्तों हम आप सबसे कुछ भी नहीं छुपाते हैं। आज जैसे कि टेस्ट हो जाता, फिर मेडिकल होता, गेट पास बनता, उसके बाद काम करने लगते। तो दोस्तों वो रूम पे आ रहे थे तो हमको मतलब वहाँ से चले आए, तो हमसे बोल रहे हैं, हमसे बता रहे थे कि मतलब गए थे तो वो दूसरे दिन बुलाया है, मतलब उसको लगा खुशी रोने लगेंगे, इसका दिल बहुत नाजुक है, और अगर मतलब उसको लगा है कि मतलब खुशी रोने लगी बहुत वो है। और दोस्तों वैसे भी हमें
ज़्यादा कुछ वो बर्दाश्त नहीं होता है। तो क्या करें दोस्तों, क्या कर सकते हैं। अभी देखिए दोस्तों, अभी सोमवार को बुलाया है ये, तो मतलब वहीं पर जब तक अभी इस अभी आज आज भी फिर दोस्तों लड्डू को बुलाएगा, क्या करें मैं समझ नहीं आ रहा दोस्तों। मैं क्या करूं, मैं कितनी बेकार हूँ मुझे खुद भी नहीं पता। शायद भगवान भी मेरे साथ होता तो कैसे भी करके पास कर जाते काम में, पर क्या करे दोस्तों। दोस्तों आपको तो पता ही, मैं प्रेग्नेंट हूँ और इस हालात में हर चीज़ की ज़रूरत होती है। अच्छे से खान पीन पर भी ध्यान रखना पड़ता है, किस वक्त कैसा हाल हो दोस्तों। आपको हम कसम से बता रहे, सुबह में मेरा पेट में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, फिर भी मैंने उठ के घर के सारा काम करके उड़ के खाना वाना बना के फिर नहाया, फिर जाके दोस्तों मैंने 11:26 में खाना खाया। फिर भी क्या करें कुछ समझ नहीं आया। और एक तो मेरी बिटिया रानी, वो तो परेशान करती ही करती है। दोस्तों आप ही बताओ मैं क्या करूँ, हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है दोस्तों हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ लिखी नहीं है। बताइए दोस्तों, अगर आज पास हो जाता तो कल से वो काम पे चले जाते। अब सोमवार को टाइम दिया है, बोले सोमवार को फिर से टेस्ट होगा। क्या करूँ दोस्तों, बहुत परेशान हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कुछ कर जाओ, कुछ समझ नहीं आता। बहुत अपनी ज़िंदगी से ना तंग आ चुकी हूँ, बहुत परेशान हूँ। हमें ये बात समझ में नहीं आती है, जो तकलीफ में होते जो प्रॉब्लम में होते उसी के साथ अक्सर ऐसा क्यों होता है। हर प्रॉब्लम एक ही इंसान को मिलती है, पता नहीं हमने कौन सी गलती की है जिसकी सजा में मिल रही है। मैं मानती हूँ मैं लव मैरिज की हूँ, फिर धीरे धीरे सब अच्छा हो गया। इतनी तकलीफ के बाद मेरे मम्मी पापा माने, फिर अगर माने तो हम उन पर भी बोझ नहीं बनना चाहते दोस्तों। गलती मेरी है, चाहे मैंने सब कुछ किया है तो भोगना भी हमें को पड़ेगा। मेरी बिटिया रानी उठ जा रहा है, तो भुगतना भी तो हमें को पड़ेगा ना दोस्तों। अगर दोस्तों अब देखते हैं सोमवार को, एक चांस मतलब सोमवार को है, कैसे क्या होता है दोस्तों। हमें नहीं लगता है हमारे पते से, कम से कम इंसान कोई भी काम करते हैं तो जो काम करते उसको तो वो कर ही सकते। वो बोल रहे थे हमरे से ना, जिनको नहीं आता वो लोग पास हो गए और हम अच्छे किए उनसे तो हमें वो कर दिया है। बताइए दोस्तों कितनी बड़ी बात है। हे भगवान क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। अगर आप लोग भी सपोर्ट करते तो वो नहीं जाते, और गए भी है तो अच्छे से काम लग जाते। बस यही भगवान से विनती प्रार्थना है, और आप सुदुआ कीजिए दोस्तों अगले बार में सब सही हो जाए, प्लीज़ दोस्तों। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हाथ जोड़ रही हूँ, विनती कर रही हूँ दोस्तों, आप सब सपोर्ट कीजिए और उनके लिए दुआ कीजिए कि वो पास हो जाए दोस्तों। बहुत मजबूर हूँ दोस्तों, किसी से बता भी नहीं सकती हूँ आपके अलावा।
किससे बताऊँ? सब कुछ तो मैंने किया है, किससे कह सकती हूँ? किसी से कुछ कह भी नहीं सकती। और ससुराल वाले को तो छोड़ ही दीजिए, इन लोगों को तो हमसे कोई वो है ही नहीं। और मायके में तुम किसको दोष दे सकते? गलती तो मैंने किया ना, अपनी मर्जी से लव मैरिज कर ली बिना मम्मी पापा को बताए। भोगना भी हमी को पड़ेगा ना, मेरे जगह पर दूसरा आदमी थोड़े ना भोग देगा, मैं ही ना भोग दूंगी। भगवान, प्लीज दोस्तों, आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप सब दुआ कीजिए कि मेरे पति सोमवार को पास हो जाए और अच्छे से काम करने रहे। दोस्तों 2 रुपया भी कमाए, अगर अच्छे से कमाएगा महीने में, खा पी के भी जो भी भेजेगा ना दोस्तों, उससे क्या है ना, हमारे आने वाले बेबी के लिए भी और मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। क्योंकि इस हालात में, और इस हालात में लोग बाहर से घर पे आते, वो तो घर पे ही थे, इसीलिए हमने उसको बाहर भेजे ताकि पैसे का इशू था। आप सबको तो सारे सिचुएशन हमने बताया ही, तो प्लीज़ दोस्तों आप सब रिक्वेस्ट कीजिए, आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ आप सब दुआ कीजिए कि पास हो जाए। हे भगवान जी, हे भोलेनाथ, हे माता रानी, और आप सब इतना प्यार दीजिए दोस्तों, बहुत परेशान दोस्तों, मेरे अंदर से इतना रोना आ रहा है ना, और सब बाहर रूम लॉक किए, ज़्यादा जोर से वो भी नहीं कर सकती, बहुत प्रॉब्लम में रहती हूँ दोस्तों, क्या बताऊँ। कभी कभी तो ऐसा होता है ना, हमें टाइम भी नहीं मिलता है वीडियो शूट करने का। इस हालात में हूँ फिर भी इतनी तकलीफ कष्ट उठा रही हूँ, फिर भी क्या करूँ। कभी कभी इतना ज़ोर से ना बेबी पेन होने लगता है ना, क्या ही बताओ। लेकिन कोई नहीं दोस्तों, आप सबका प्यार और सपोर्ट है तो सब अच्छा हो जाएगा। और दोस्तों हम कोई वो वीडियो नहीं बनाते हैं, तो दोस्तों हम जो भी रहते हम आपको अपना मानते हैं, इसलिए हम आपसे हर चीज़ शेयर करते हैं। बाकी हमें पता है दोस्तों, आप सब हमसे बहुत प्यार करते हैं, तो दोस्तों आप सब सपोर्ट कीजिए। देखिए दोस्तों, सोमवार को बस माता रानी भोलेनाथ के आशीर्वाद रहा तो सब अच्छा हो जाएगा, पास हो जाएगा अगली बार, आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है परिवार पे और आप सबके प्यार पे, आप सबके दुआ से अच्छा हो जाएगा। देख लीजिए मेरी बिटिया रानी कैसे सोती है, और इसको ऐसे कर देंगे ना, सीधे कर देंगे तो ये रोने लगेगी। देख लीजिए उठ गया। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक, अभी हम बहुत ही बुरा फील हो रहा है। कोई भी आदमी कोई काम करता है उसमें वो हो जाते, रिजेक्ट हो जाते, फेल हो जाते, तो बहुत अफसोस होता है, किसी से कुछ कह भी नहीं सकते। तो ये मेरा हस्बैंड बताया ना, मैं पहले इतना जी भर के रो लिया हूँ ना दोस्तों, क्योंकि हम नहीं चाहते कि मतलब अपने दोस्तों के सामने में हर बार अपनी वो करूँ, तो इसलिए दोस्तों हम नहीं रोना चाहते। आप सब कहते हैं खुशी जी आप रोते हैं, तो मुझे रोना, आपको देख के मुझे रोना आ गया। इसलिए दोस्तों मैं बहुत बर्दाश्त करके आप सबसे ये बात कह रही हूँ, सच्ची कसम से दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद थे आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ आप सब दुआ कीजिए कि सोमवार को मेरे पति पास हो जाए, अच्छे सेलेक्ट हो जाए। तो दोस्तों बाय बाय, इससे ज़्यादा भी हम कुछ नहीं कह सकते। बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद।